हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशीज ब्लॉग। तो आज हम आपको लेके चलते हैं ज्वाला माता के मंदिर में। ज्वाला माता का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है जो विश्व में काफ़ी फेमस है। ये मंदिर पूरे विश्व में नगरकोट की माँ और ज्योतावाली माँ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो सबसे पहली नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो ज्वालाएं निकल रही हैं 9 अलग अलग जगह से निकल रही हैं। और इनके बारे में इतिहास में अगर हम देखें तो ये जानकारी मिलती है कि पहले जो अंग्रेजी सरकार थी हमारी, उन्होंने भी इस मंदिर से निकलने वाली ज्वालाओं यानी प्राकृतिक रूप से जो यहाँ पर जोत जलती हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की थी, बट वो भी फेल रहे थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर से जो ज्वाला निकल रही है उनको मतलब उसकी खोज करके और उसे एनर्जी के रूप में वो यूज़ करेंगे, बट वो फेल रहे। इतिहास में ऐसा भी माना जाता है कि जो बादशाह अकबर थे उन्होंने यहाँ पर जो ज्वालाएँ निकल रही हैं उनको बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने काम में नाकाम रहे थे। इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पर जो 9 ज्वालाएँ निकल रही हैं अलग अलग जगह से उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर ऐसी खास मान्यता है कि इस मंदिर में माता सती की जीभ गिरी थी और जिस वजह से ये मंदिर काफ़ी विश्व में फेमस है। यहाँ जिन 9 ज्योतियों की पूजा की जाती है उनमें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी हैं। इस मंदिर में सबसे ज़्यादा जो भीड़ देखने को मिलती है वो नवरात्रों के टाइम पे मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह यानी भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से लगभग जो जनसंख्या होती है यहाँ पर आती है माता के दर्शन के लिए। और इसका जो वीडियो का जो अगला पार्ट है वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।